क्या उद्देश्य था और क्यों यहाँ किया गया, कहीं गोरखपुर जिस जगह पीने के लिए किया गया? उद्देश्य ये गोरखपुर में इसलिए किया गया कि भाई सरोज कुमार निराला जी और मैं खुद दोनों गोरखपुर के रहने वाले हैं, तो ये संदेश पहले अपने घर में दे दिया जाए, फिर पूरे प्रदेश और देश में दिया जाए। तो ये तो कारण रहा कि हम लोग गोरखपुर से क्यों ये संदेश शुरू किए। और ये किया गया है कि हम लोगों ने महसूस किया कि अभी जो समाज के कमज़ोर तबके के लोग हैं, चाहे वो दलित हो, मुसलमान हो, पिछड़ा वर्ग है, जो भी शोषित पीड़ित वंचित है, उसको सरकारों में जितनी भी सरकारें आई उसमें न्याय नहीं मिला है, उनको संविधान प्रदत्त जो अधिकार है वो नहीं मिला है। और इसीलिए हम सभी ने ये फैसला लिया है कि दलित मुसलमान जागा है और अपना अधिकार मांगा है। तो हम लोग उठ करके जाग करके लोगों को जगा रहे हैं ताकि हम सबको अपना अधिकार मिले, जो संविधान ने दिया है वो हमें सबको अधिकार मिले और हम किसी के साथ शोषण ना हो। सर, हम देखते हैं कि सभी लोग आते हैं, दलित मुस्लिम को तो बात करते हैं, लेकिन एक नहीं हो पा रहा है, ऐसा क्या कमी आ रही है जिसकी वजह से नहीं आ पा रहे हैं, क्या कमी ऐसी हो रही है? कहीं कहीं नीयत की कमी है, कहीं न कहीं लोग एक दूसरे को इस्तेमाल करने की पूर्व प्रयास किया है और यही वजह से बहुत दिन तक दोनों नहीं ले पाए हैं। और जिसने ये काम किया वो भाई औनत में चला गया, उन्नत में नहीं चला गया है। अगर पिछड़े के वर्ग के नेता, मेरा तो ये मानना है कि अगर पिछड़े के वर्ग के नेता ने अगर उपेक्षितों के लिए, मुसलमानों, दलितों और पिछड़ों के लिए अगर ईमानदारी से काम किया होता तो आज प्रधानमंत्री होता, आज भाजपा सत्ता में ना होता। अगर दलित वर्ग के नेता ने भी अगर ईमानदारी से काम किया होता, सबको बराबर जो कहा उसी के हिसाब से किया होता, तो मैं समझता हूँ कि वो भी आज प्रधानमंत्री होती, आज एक सामंतवादी सरकारों की स्थापित न होती। तो मैं समझता हूँ कि अगर जनता के साथ भी नैतिक और ईमानदार होना चाहिए और सहयोगियों के साथ भी नैतिकता के साथ ईमानदारी से काम करना चाहिए, समाज के साथ भी ईमानदारी के साथ करना चाहिए। अगर ये मानते हैं कि अगर हम सभी दलित और मुसलमान और पिछड़े वर्ग जो उपेक्षित हैं, अगर इन सभी ने मिल करके ईमानदारी से काम किया, एक दूसरे का हर मुद्दे पर साथ दिया, तो मैं समझता हूँ कि कोई भी सरकार इस जो अधिकार जो मांग रहे हैं हम सब, उसे लेने से कोई रोक नहीं पाएगा। ये हम लोग को इंशाल्लाह जरूर। अच्छा, एक सर एक और हम जाए क्वेश्चन करना चाहते हैं कि जो है आप लोग जैसे आवाज़ तो हर चीज़ हो रही है, हर मंच की बातें उठती हैं, लेकिन शिक्षा और रोजगार की क्यों नहीं बात उठती है? क्योंकि शिक्षा अगर रहेगा, रोजगार रहेगा, तो वो आगे बढ़ेंगे, दिमाग लगाएंगे, इस पर क्यों नहीं चर्चा होती है? नहीं देखिए, शिक्षा क्या मिलनी है आपको, रोजगार क्या मिलना है आपको, ये तो सत्ता फैसला करती है ना। सत्ता ये कोई निःशुल्क जो है छात्रवृत्ति हो, शिक्षा हो, कहीं नहीं हो पा रहा, लागू नहीं हो पा रहा, नहीं मिल पाता। यही तो बात हम लोग कर रहे हैं कि जो संविधान प्रदत्त अधिकार है वो नहीं मिल रहा है। लेकिन ऐसा ये तो सरकार फैसला करेगी ना, और जब तक जागेगी नहीं, ये फैसला लागू नहीं होगा। सरकार तो कर रही है, लेकिन जनता क्यों नहीं जागरूक, जनता को क्यों नहीं जागरूक किया जा रहा है, उन पे क्यों नहीं जैसे घेराव किया जाता है, क्या क्यों असल किया जा रहा है? असल मुद्दे से असल मुद्दे को जनता को भटका दिया जा रहा है। दलित समाज को धर्म के नाम पर बांट दिया जा रहा है, पिछले समाज को धर्म के नाम पर बांट दिया जा रहा है, पूरे समाज में द्वेष नफरत पैदा किया जा रहा है ताकि असल मुद्दे से लोगों का ध्यान भटक जाए। ये काम निराला सर, दलित मुस्लिम अधिकार सम्मेलन की बात, आज़ादी की इतने साल बाद भी क्या उनको अपना अधिकार नहीं मिला? अगर नहीं मिला तो चुप क्यों है आज तक? दलित समाज हो, चाहे पिछड़ा गरीब समाज हो, मुस्लिम समाज हो, आज यदि अधिकार मिल गया होता तो आज पीस पार्टी और अम्बेडकर जनमोर्चा को अधिकार की बात नहीं करनी पड़ती। लगातार ये सरकार, जैसे अभी हमारे एक साथी बोल रहे थे शिक्षा के सवाल पर, तो लगातार ये सरकार शिक्षा गरीबों की पकड़ से दूर करती चली जा रही है, शिक्षा मांगी करती चली जा रही है। हम उसी अधिकार की बात कर रहे हैं कि भाई एक समान शिक्षा कर दो, हम उसके लिए डिमांड उठा रहे हैं, एक समान चिकित्सा कर दो, एक समान सबको जमीन दे दो, क्योंकि जमीन तो किसी को मिला नहीं, कोर्ट के मामले में बराबर हो गए, जमीन के मामले में असमानता है। आज भी गरीब लोगों का गुलामी करने के लिए मजबूर है, तो गरीब को भी समान अधिकार मिले, उसी पर हम काम कर रहे हैं और लोगों को जगाने की कोशिश कर रहे हैं, जनता को जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं। आज तमाम नेता हैं जो दलितों के हितैषी हैं, मुस्लिम समाज के हितैषी हैं, लेकिन फिर भी ये जो अधिकार की बात आती है तो वो पीछे हो जाते हैं। और ये बहुत तकलीफ की बात है, ये बहुत तकलीफ की बात है कि नेता दलितों में जाति के नेता हैं, पिछड़ों में जाति के नेता हैं, अन्य वर्गों में जाति के नेता हैं, वो मुद्दों पर बात नहीं कर रहे हैं। जैसे चुनाव आता है तो हम आपकी जाति के वोट दे दीजिएगा, हम आपके रिश्तेदार
इस जो ये जो भाव जनता फंसी इसी से नुकसान हुआ। अगर नेता के सामने जनता सवाल करती, मुद्दे की बात करती, भाई हमारा शिक्षा छीना जा रहा है आप उस पर क्या कर रहे हो, हमको जमीन का अधिकार नहीं मिला आप उस पर क्या कर रहे हो, हमें चिकित्सा का समान अधिकार नहीं मिला आप उस पर क्या कर रहे हो, बेरोजगारी पे क्या कर रहे हो, महंगाई पे क्या कर रहे हो, मुद्दे के आधार पे जनता अगर सवाल करेगी तो नेता सुधर जाएंगे। इसलिए हम लोग जनता को जागरूक कर रहे हैं कि नेता को सुधारे, नेता को सुधारने में मतलब उनसे पहले जब वो आपके बीच में वोट मांगने आते हैं तो पहले पूछे कि बताओ ना बेरोजगारी पे आपने क्या किया, क्या करेंगे, वो नहीं क्या करेंगे ये तो भ्रामक बात है, हम ये कर देंगे हम वो कर देंगे, क्या किया हो तुमने, मतलब जमीन के अधिकार पे अगर लड़ाई लड़ी जा रही थी तो तुम उस लड़ाई में थे कि नहीं, शिक्षा का अधिकार हमसे छीना जा रहा था तो तुम उसके लिए लड़ रहे थे कि नहीं, कुछ कर रहे थे नहीं, तुम्हारे पास कोई अपना दिया हुआ ज्ञापन है, मांग पत्र है, कोई आंदोलन का फोटो है, ये जनता जब मांगेगी, ये सबूत मांगेगी तब नेता सुधरेंगे। तो ऐसे लोगों को सुधारने का भी हमारा अभियान है। ये बताइए आप जो है 10 अक्टूबर को भूम की पर जो है भव्य जो कार्यक्रम करने जा रहे हैं तो किस तरह से कितनी संख्या उम्मीद है? ये जो गोरखपुर में 1 एकड़ जमीन दिलाने का जो हर भूमिहीन को हमारा आंदोलन है, ये गोरखपुर में 10 अक्टूबर को डेरा डालो घेरा डालो आंदोलन होगा। इस आंदोलन में 1 लाख आएंगे और ये इस बात को मैं आपको बताऊं कि हम 1 लाख से ज़्यादा लोग आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि एक दिन आएंगे और तुरंत चले जाएंगे, हम वहाँ डटे रहेंगे। हमारा ये संकल्प है कि जमीन मिलेगा तभी हटेंगे, नहीं तो डटे रहेंगे। या तो सरकार से आमने सामने होंगे, सरकार को बताना होगा कि जमीन क्यों नहीं दिया, क्यों भाई कुछ परसेंट लोगों के पास ही क्यों हजारों एकड़ ज़मीनें हैं, गरीबों को क्यों ज़मीन नहीं मिली, सरकार को बताना पड़ेगा और सरकार को ज़मीन देना पड़ेगा तभी हम हटेंगे। और ये आर पार की लड़ाई है, भ्रम में कोई न रहे। अच्छा ये कहना आप ये चाह रहे हैं कि ये एक दिवसीय नहीं रहेगा, अनिश्चितकालीन धरना होगा? अनिश्चितकालीन, जब तक जमीन नहीं मिलेगा तब तक नहीं हटेंगे और सरकार को ज़मीन देना ही पड़ेगा, या तो सरकार जाएगी या तो जनता जीतेगी। पब्लिक कैसे नेता के ऊपर विश्वास करे, आप भी तो एक राजनीतिक पार्टी के नेता? खूब कर रही है। आपने देखा कि जब मुद्दे पे आप बात करेंगे, समाज के तकलीफ पे बात करेंगे तो समाज आपके साथ खड़ा हो जाएगा। पिछला जो 17 दिसंबर का आंदोलन अंबेडकर जनमोर्चा का था, ये पहली बार हुआ पिछले 25 सालों के इतिहास में सत्ता के खिलाफ विपक्ष की तरफ से इतना बड़ा सड़क पर मार्च हुआ ही नहीं, लाखों लोग सड़क पर उतर गए। अंबेडकर जनमोर्चा कोई बड़ी पार्टी नहीं थी, अंबेडकर जनमोर्चा कोई कई बार सत्ता में रही हुई पार्टी नहीं थी, अंबेडकर जनमोर्चा के पास कोई संसाधन नहीं था, अंबेडकर जनमोर्चा ने मुद्दे के प्रति लोगों को जागरूक किया और लाखों लोग सड़क पर उतर गए। इसलिए जब जनता के दर्द की बात करेंगे, उनको मूल समस्या की बात करेंगे तो लोग आपके साथ खड़े हो जाएंगे। ये माना जाए कि जो जनता की बात करेगा वही देश पर राज करेगा, जो जन समस्याओं पर बात करेगा, जनता के अधिकार पर बात करेगा वही देश पर राज करेगा। जनता ईमानदार है, लोग जो जिनको उन्होंने मौका दिया उन्होंने बेईमानी किया, अब हमें जनता को जागरूक करना है।